स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल कैशलेस मास्टर में। मैं हूं शुभम। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एक पेटीएम के अंदर मतलब एक मोबाइल के अंदर आप एक बार में 5 से ज़्यादा पेटीएम लॉगिन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है तो इस चीज़ के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है। एंड फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं यहाँ पे, और कमेंट में आप अपना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है मैंने आज मेरा पेटीएम यहाँ पे बोलेगा अभी लॉगिन करने को, आपको हो सकता है ब्लैंक भी दिख रहा हूँ, बट मैंने जो है आज इसमें 5 बार से ज़्यादा मतलब पेटीएम लॉगिन किया है। तो इसके बाद जो है मुझे लॉगिन करने जाता हूँ तो क्या बताएगा, तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। हो सकता है आपको यहाँ पे ऐसा भी ब्लैंक भी दिख रहा हो, तो ब्लैंक दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो आप, एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या बता रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है योर वी हैव रिसीव्ड मल्टीपल लॉगिन रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस डिवाइस विच इज फ्लैग्ड एज सस्पिशियस, यानी कि उनको एक डाउटफुल लगता है। यू कैन नॉट लॉग इन विद अ डिफरेंट अकाउंट फॉर नेक्स्ट 30 डेज, यानी अगले 30 दिन तक आप इसके अंदर इस मोबाइल से दूसरा कोई भी अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकते। अब मेरा जो है पेटीएम यहाँ पे 30 दिन के लिए ब्लॉक हो चुका है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहली बात, पहला जो लॉगिन किया था मुझे वही लॉगिन करना होगा, वो भी 7 डेज के बाद, क्योंकि मैंने ऐसा मेरे पास एक बार नहीं हज़ारों बार हो चुका है। तो आप घबराएंगे कि भाई मेरा पेटीएम ब्लॉक तो नहीं हो गया या फिर मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है। तो इस चीज़ को बताना जरूरी था आपको मेरे मुझे। और इस वीडियो में मेरे को एक और चीज़ बताना है कि आपको आधार कार्ड डीलिंक कैसे करते हैं, तो वो डीलिंक का प्रोसेस जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सिर्फ इतना ही बताना था मुझे। एंड आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। किसी को अपनी OTP शेयर नहीं करनी है, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे केस में यहाँ पर कई बार जो है आप दूसरा पेटीएम के एम्प्लॉय होते हैं जो कि आपका अलग अलग एप्लीकेशन लॉगिन होता रहता है, जैसे कि हमारे पास पेटीएम सर्विस एजेंट हो गया, पेटीएम का ATM हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है लॉगिन होती है, इस वजह से यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाते हैं अपने लोग। तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है, 30 डेज के लिए ही ब्लॉक होता है, ये टेम्प्रेरी ब्लॉक होता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। इसका एक और सॉल्यूशन है कि आप अपने दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो। आई होप आपको ये नॉलेज मेरा पसंद आया होगा।